कब तक ऐसे लाचार और मायूस बैठी रहोगी? हिम्मत रखो अभी भी, चाय पी लो, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाते हैं। कौनो जरूरत नहीं है इसके लिए कुछ भी लाने का, ना कौनो जरूरत नहीं है। काहे कि आज से इसका इस घर में जो है दाना पानी खत्म होता है। उठाओ अपना सामान कपड़ा सब कुछ और निकलो यहाँ से। कह रहे हो यहाँ से निकलती हो या हम थक के मार के निकाले सब? भाई तो वैसे भी ठीक ही है, इसे धक्का ही मारना पड़ेगा। अरे निकलो यहाँ से, निकलो हम कह रहे हैं। सासु मई क्या कर रही हैं आप? अरे जो कुछ भी कर रहे ना वो उसे पहले कर लेना चाहिए था। यहाँ प्यारे का ना इस घर में कोनो जगह नहीं। सासु मई यार, आप सिस्टी को घर से ऐसे मत निकालिए। अरे उसने ये सब जानबूझ के नहीं किया है, उसको होश ही नहीं था, उसको कुछ याद ही नहीं है। देखिए नहीं कल आप कैसे हो। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। हम सृष्टि के साथ हैं। हमें उसकी सच्चाई पे ना पूरा यकीन है और हम आपको भी ये यकीन दिलाते हैं कि आगे से सृष्टि ऐसा कुछ नहीं करेंगी। हम 24 घंटे उस पर नजर रखेंगे। बस सासु मैया एक आखिरी मौका दे दीजिए, एक आखिरी मौका। तुम लोग को समझ काहे नहीं आ रहा है? इतना मौका चाहिए ना उतना ले लो, लेकिन एक बात याद रखना, पूर्णिमा को कुछ ही दिन बचे हैं। बाबा जी का भविष्यवाणी के अनुसार अगर बिस्सु को कुछ भी हुआ ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ hey, दुलरिया नाश्ता लगवाओ सबके लिए। चलो बेटा। दिमागी बीमारी है? अगर ऐसा है तो सासू माँ सही कह रही है, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमें चले जाना चाहिए। सृष्टि कहीं हमने फिर से? अरे सृष्टि तुम ऐसे काहे बैठ के? चलो उठो उठो उठो, ऐसे मत बैठो। तुम्हारे घर से निकल जाने से समस्या नहीं निकल जाएगी। हमारे बाबूजी कहते हैं कि अगर समस्या की आंख में भी आंख डाले ना तो वो भी आंख चुरा लेता है। हमें लड़ना होगा अंदर की समस्या से भी और बाहर की समस्या से भी। चलो अभी ये सब अपने कमरा में रखाओ और नाश्ता लग गया, आ जाओ नाश्ता करने, ठीक है? नहीं नहीं रागिनी, हमें भूख नहीं है और हम सबके साथ बैठ कर ऐसे। हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम नॉर्मल नहीं दिखोगी ना तो पूरे घर वाले टेंशन में रहेंगे। अच्छा तुम्हें भूख नहीं है ना तो भूख ना से, लेकिन हमारे कहने पे एक तो पराठे तो खा सकती हो ना। चलो ये हम भी रखते हैं तुम्हारे साथ ही कमरे में। उठ जाओ, चलो उठो। हम खाना नहीं खाएंगे, हमारा बिस्सू खाना नहीं खाएगा तो हमारे मुंह से निवाला कैसे उतरेगा? ईशु भैया, thank you.
दादी विशु भैया ने खा लिया, अब तो आप खाएंगी ना? तुम यहाँ बैठे खा लो, हम दूसरा कुर्सी ले आते हैं। इस मेज पर ना किसी खोने के लिए कोई जगह नहीं है। घर में रहना दे रहे वो है बहुत है, किसी भी कोने में बैठ जाओ। और इसे भी इसका पीढ़ा लगा दिया उन्हें उन्हें कोना में। खाना भी ना वहाँ ही रखा है, तो वहाँ बैठ के खाना खाओ, यहाँ नहीं हमारे साथ। सैया जी एक ठो पराठा खाइए ना। हमको कहे ताक रहे हैं ऐसे? जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारा बेटा का सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, उसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा ना हम करेंगे, उसमें किसी का भी रोक तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दीजिए। चलो सृष्टि, हम भी तुम्हारे साथ ना वहाँ बैठ के खाना खाएंगे, और जो तुम खाओगी ना वही ही खाएंगे। हाँ ये मत कह देना कि तुम हमें अपने साथ खाने ही नहीं दोगी। चले चलो आओ, चलो 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 चलो। अरे आप मिस्टर जी, आप काहे अपना हाथ गंदा कर रहे हैं? हम मैंने सोचा कि शिष्य तो है नहीं तुम्हारी मदद करने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं ही थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। मैंने सुना माँ ने तुम्हें जो कुछ भी बोला, तुम उनकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं कर रही, और वो है कि मिस्टर जी इस समय ना हमारे लिए सृष्टि से बढ़कर और कुछ नहीं है। देवर जी के साथ तो सारे घर वाले हैं, लेकिन सृष्टि वो एकदम ही अकेली पड़ गई है। सासू मैया की बात का आप टेंशन मत लो, उनके मन से जब ये भयम निकल जाएगा ना तो उन्हें हम यहाँ दिखाई देंगे, देख लेना। मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि तुम मेरी वाइफ हो, और तुम जो कुछ भी कर रही हो वो एकदम परफेक्ट है। इट्स ग्रेट, थैंक यू मिस्टर जी, लेकिन अब हम आपके बिना ना आगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे क्या करना है वो मैंने सोच लिया है, लेकिन तुम्हें बाद में बताऊंगा। डॉक्टर का नहीं भगवान का जरूरत है, आप जाइए यहाँ से। चलिए माँ, डॉक्टर्स भी तो भगवान का रूप होते हैं ना, इन्हें मैंने बुलाया है, डॉक्टर शर्मा, ये सृष्टि का इलाज करेंगे। हाय डॉक्टर शर्मा। जो खुद है सब कुछ जख्मी कर रही है उसी के लिए जॉइंट डॉक्टर बुलाया जा रहा है। ये सब क्यों हुआ है उसका पता लगाना जरूरी है ना? अनुराग जी हमें कोई टेस्ट नहीं करवाना है। मिस्टर जी हमें बता रहे थे कि जैसे तन पे लगे घाव का इलाज है ना,
वैसी दिमाग पे लगी समस्या का भी इलाज। तुम ही डॉक्टर साहब को ना दिखा लो, कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। तुम्हारी और अनुराग जी की बात का मान रखेंगे। अनुराग जी, हम टेस्ट करवाएंगे। पर हम कहते बंद करो ये तमाशा। तुम लोगों का ना जो जांच पड़ताल करवाना है करवा लो, लेकिन एक बात याद रखना, हम कोई डॉक्टर से ज्यादा ना बाबा जी का भविष्यवाणी पर भरोसा है। पूरा मासी को जो है वो कुछ ही दिन बचे हैं। इसे कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। शी इज मैड, ये लड़की पागल है। शी ट्राइड टू किल मी। मैं बता रहा हूं ये बहुत खतरनाक है। मिस्टर अनुराग, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूं। अरे डॉक्टर शर्मा, लेकिन अब अड़ गया तुम्हारा कलेजा को ठंडा हो गया सारा जांच पड़ताल। बड़ा कह रहे थे ना सपेरे में, इसका सारा जिम्मेदारी जो है वो हम ले लेंगे। का हुआ? अरे डॉक्टर जिम्मेदारी नहीं ले पाया तो तुम क्या कर लोगे? है सांप सूंघ गया का? अरे बोलती कहा नहीं? तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, हमारा बेटा का सुरक्षा के लिए ना हम किसी भी हद तक जाएंगे, और हमको ना कोनो कुछ नहीं बोलेगा। उठो, आंखें खोलो अपनी, उठो। हाँ, वो डॉक्टर आए ना, कहाँ गए वो? अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे। रागिनी चलो डॉक्टर के पास। तुम्हें तो बड़ा वाला वकील बनना है ना, उसमें अपना जिंदगी बर्बाद करो। वैसे भी हम तो रागिनी सिंह है ना, तो ये बंदूक कोर्ट कचहरी सब तो चलता ही रहता है। आजकल जो घर में माहौल चल रहा है, ससुरा कहीं हमसे ही ना किसी का मर्डर हो जाए, फिर हमारा केस कौन लड़ेगा? तुम ही ना लड़ोगी? हाँ हाँ बोलो। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है तुमने तो अपनी आंखों से देखा है ना, लेकिन हमें कुछ भी याद नहीं, पर हमने जरूर कुछ बहुत बुरा किया होगा। उसके बावजूद भी तू हमारे साथ रहना चाहती हो? यहां बैठो। सिस्टर, हमने जो कुछ भी देखा है ना वो पूरा सच नहीं है, और जो सच है उसका पता तो हम लगा के रहेंगे। जब तक ऐसा नहीं हो जाता ना, वो तब तक जो है ना हमारा डेरा डंडा वो यही रहेगा। और तुम चिंता मत करो, ये सब पता करने में हमें बहुत समय नहीं लगेगा। बहुत जल्दी ना तुम पुरानी वाली सृष्टि हो जाओगी। अब देखो, अब हम तुम्हारे कमरा में शिफ्ट हो गए हैं ना, तो बाकी का जो चीजें है ना वो हमारे हिसाब से होगा। बोलो मंजूर है? जैसा चाहे वैसा ही करो। अच्छा, तो अब ना हमें तुमको एक चीज दिखानी है।
सुई का है, वो है लव लेटर है जिसका टिप्स हम तुमसे लिए थे। और देखो अब मिस्टर जी इसको कितना सुंदर बना दिए, यहाँ पे ना अनुरागिनी भी लिखवाए हैं। हम इसे ना यहीं कहीं टांग देते हैं, वो कहा है ना कि जब मिस्टर जी का याद आएगा तो उसको देख देख के हम खुश हो लेंगे। अब यहाँ रख देते हैं। और दूसरा चीज, ये जो सुंदर सी लड़की है इसको पहचानती हो? ये जो है ना, ये हमारी सबसे बड़ी वाली बेस्ट फ्रेंड है। तुम तो ये मानो एकदम सगी बहन की तरह है। इसको ना हम इधर लगाए, ससुराल तक तुम्हारे बेड के ना एकदम सामने ही लगा देते हैं। दरवाजा के पीछे से खूनी बढ़ता है, उसके हाथ में चाकू है और आंखें लाल है। जैसे जैसे वो अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा था, उसका पागलपन और बढ़ता जा रहा था। घर में चारों तरफ सन्नाटा है और कोई भी घर में नहीं है। दिमाग खराब हो गया, क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ चला रही हो? क्या हुआ? अब खूनी है, चाकू लेके घूम रहा है। अरे दुलारी दीदी, कोई खूनी नहीं घूम रहा है। हम माँ को चाकू दे रहे थे सब्जी काटने के लिए। ये देखिए, जब दिन भर उल्टा सीधा किताब पढ़ोगे ना, तो हर जगह तुमको खूनी भूत प्रेत यह सब नजर आएगा। ऐसा दिमाग खराब ही रहता है इसका। समझाइए कुछ इसको। आप जाइए, हम समझाते हैं। पता नहीं क्या है इसका। कितना हम डरा गए थे, बाप रे। आज से ना तुम्हारा ये सब किताब पढ़ना बंद। ये जितना भी किताब है ना, हम सब रद्दी बाला को ना दे दिया तो देखना। चलो कृपया, आपको हमको यही से आइडिया आता है, तुम किताबों ले जाओ। तू रखो। ये क्या उल्टी सीधी किताबें पढ़ते रहते हो? हमारे पास बहुत सारी किताबें, आइए हम आपको देते हैं। कोई लव की किताबें पढ़िए। आओ चाकू हटाओ पहले। तुम्हें विशु जी अकेले हैं, हमें उन्हें बताना चाहिए कि जो हो रहा है हम जानबूझ के नहीं कर रहे। सृष्टि जी, आप चली जाइए यहां से। आप जाइए। विशु जी, से मत डरिए, हम आपकी वही सृष्टि जी हैं जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हो। कहां गया आपका वो भरोसा विशु जी? आप प्लीज हमसे मत डरिए। विशु जी, हम सब कुछ सह सकते हैं लेकिन आपकी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकते। पंडित जी, आपको पूजा का सामग्री का पर्चा तो लाया है ना? हाँ जी, दीजिए। ये रही पूजा की लिस्ट। बहू रानी, यहाँ आओ। सामग्री जो है जाकर बाजार से ले आओ। पूजा का जो बाकी का तैयारी है यहाँ कर लेते हैं। अरे वाह, आज सासू मैया हम पर मेहरबान हो गई। अनुराग बेटा, तुम भी जो है इसके साथ चले जाओ। कहे कि इसके भरोसे पर छोड़ा ना तो हो चुका पूजा। और जी, पंडित जी, पूजा का सामग्री आ जाएगा तो आपको बुलवा लेंगे। हैं एकदम। अभी के लिए जो है वो आप प्रस्थान कीजिए। अच्छा जी, राम राम। ईका, पंडित जी को काहे भेज रही हो? पूजा तो आज ही करवाओगी ना?
डॉक्टर साहब आप दिमागी मरीज का इलाज ना करते हैं? हाँ वो हमारे घर में ना बहुत ही खतरनाक मरीज है। इलाज तो आज ही करूंगी लेकिन अलग तरीका से। अम्मा जी अमंगल का ना निवारण आज ही होगा, उसका तरीका जो है वो दूसरा है। आप हमसे इतना प्यार करते हैं? रागिनी मुझे नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ये बताने के लिए मेरे पास वर्ड नहीं। मेरे पास क्या ये बताने के लिए, वो दुनिया में वर्ड बना ही नहीं। आई लव यू रागिनी, आई रियली लव यू। हम भी आपसे आपसे बहुत प्यार करते हैं मिस्टर जी। अरे भाई यहाँ तो बिना टिकट शो देखने को मिल रहा है। अरे आप लोग अपना काम कीजिए ना, हम लोग तो हम ना पहले बहुत दबंग थे, कुछ भी करने से पहले ना कुछ सोचते नहीं थे, एकदम एकदम मड़ियल खोपड़ी के थे। लेकिन अब ऐसा नहीं, आपके प्यार के कारण ना हम बहुत जिम्मेदार हो गए। मिस्टर जी हमें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि का है ना कि हमारे साथ ना आपके प्यार की ताकत है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बस हमारे साथ ना हमारी हिम्मत बन के खड़े रहिए। और हाँ हम दबंग ही नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारे अंदर से दबंगगिरी चला गया है। कुछ भी होगा ना तो संभाल लेंगे, रागिनी सिंह है हम। अच्छा मैं उधर से सामान लेता हूँ और तुम सामान ले लो जो भी ले रही थी। सृष्टि जी, सृष्टि जी, मामी जा रही थी, छोड़िए चाचा। बिसु ये जरूरी है। बिसु बेटा ये सब तुम्हारे लिए ना कर रहे हैं हम। सासू मैया ना कुछ
बीमार लोगों से सृष्टि को बिजली का झटका दिलवा रही थी। बेटा हम डॉक्टर को बुलवाए थे इसका इलाज करने के लिए, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पाए, काहे कि डरा धमका कर जो सबको भगा दिया। अरे डॉक्टर तो तुम भी ना लाए थे, लेकिन उसका बस का बात नहीं था इसका इलाज करना। हम बात किए थे कुछ लोगों से, बिजली का झटका देना इसका उपाय निकला है, इसलिए तो ले आए थे ना उसको, लेकिन इसने कुछ होने ही नहीं दिया। अब तुम्हें बताओ अनुराग, अगर इसका इलाज हम करवाना चाहते तो इसमें हमारा कहाँ गलती है? मिस्टर जी आप बताओ कि क्या यही एक तरीका बचा है सृष्टि को ठीक करने का? मिस्टर जी समझाइए सासू मैया को, बताइए। रागिनी रिलैक्स रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है, वो बीमार है ना, उसे इलाज की जरूरत है। मिस्टर जी आप, और वो बिजली के झटके नहीं, उसे शॉक ट्रीटमेंट कहते हैं, ये भी एक तरह का इलाज है रागिनी। पूछा गया ना तुमको, हम इसका इलाज करना चाह रहे थे, लेकिन तुम्हारा कहा है सबका मामला में टांग अड़ाने का बहुत शौक है। एक बात याद रखना, आज जो हुआ सो हुआ, इसके आगे अगर तुम हमारे मामला में टांग अड़ाई होना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? चलो बिसो। नहीं माँ। कह रहे चलो बेटा। लेकिन माँ, माँ। चलो इसे कमरे में लेके चलते हैं। हम जानते हैं किसका मोह माया में फंस कर ना हमसे इतना बेरुखी से बात कर रहे हो, लेकिन हम भी तुम्हारी माँ है ना, बेटा का कड़वा बात सहन कर लेंगे, लेकिन उसके रास्ते में ना कांटा नहीं आने देंगे। आपको सृष्टि जी हमेशा ही कांटा लगती है ना, माना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पर जो कुछ आपने किया वो भी कहा ठीक था। आपने ही सिखाया है कि हर किसी के साथ अपनापन नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन दया दया तो हर किसी को दिखाई जा सकती है। हाँ हमें भी डर लगता है उनसे, लेकिन ये सब आपको दया नहीं आती सृष्टि जी के ऊपर? कैसा बात कर रहा हूँ बेटा, हम भी इंसान है, हमको भी दया आता है। हमको एक बात बताओ, तुम्हारा मशीन खराब हो गया ना, उसको तुम ठीक कैसा करोगे? सारा कल पुर्जा खोलना पड़ेगा ना, हम भी तो उहे ना किए। अरे हम ना सृष्टि का इलाज करना चाह रहे थे वो बिजली का झटका से, लेकिन तुम्हारी रागिनी भौजी ना ना सब गुड़ गोबर कर दिया। अरे हमारा छोड़ो, अनुराग भी तो यह ना कह रहा था, सृष्टि का इलाज ही बिजली का झटका से हो सकता था बेटा, कुछ नहीं। का मां और अनुराग भैया कह रहे हैं वो सही है, ये जो रागिनी भाभी कह रही हैं वो सही है, हम क्या करें भगवान जी, सृष्टि जी के साथ गलत भी नहीं देख सकते और उनके पास भी नहीं जा सकते, कोई रास्ता दिखाइए ना भगवान जी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।